السلام عليكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرين وناظرين عزيز حكماء خاطب طلباء آج میں आपको बताऊंगा दर्द उल के मुतलक। ये आंख में बड़ी शिद्दत के साथ दर्द होता है, इतनी शिद्दत होती है दर्द की कि आंख के जाया होने का अम्कान होता है और नकाबले बर्दाश्त होती है। तो अगर आपकी दाएं आंख में शिद्दत के साथ दर्द है या आपके पास कोई मरीज आता है उसकी दाएं आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आपने उसकी नब्ज चेक करनी है। अगर असाबी उजलाती नब्ज है तो आपने उसकी दाई कान पट्टी पर चूना लगा देना है। तो ये दर्द का जो एहसास है ये कम हो जाएगा, आपने उसकी बीमारी का रास्ता जो है वो बदल दिया है, वहां पे सुर्खी पैदा हो जाएगी और दर्द की शिद्दत में कमी वाकिया होगी। आपने नब्ज को फॉलो करते हुए मदारज मर्ज के मुताबिक मदारज अदविया और मदारज अगजिया इस्तेमाल करनी है। और अगर नब्ज जो है वो उजलाती असाबी है, दो नंबर नब्ज हो गई है, तो फिर आपने याद रखना है कि चूना नहीं लगाना बल्कि प्याज कूट कर वो बांध देना है। प्याज का पानी लगा दें, प्याज कूट कर बांध दें। तो उसके साथ आप तीन नंबर और चार नंबर खुराक जो है वो दें, तीन नंबर खुराक ही काफी है। और अगर असाबी उजलाती यानी एक नंबर नब्ज है तो फिर चूना लगाएं और दो और तीन नंबर खुराक दें। ये जो कनपट्टी है आंख और कान के दरमियान जो जगह है यहां पर आपने लगा देनी है। और अगर दर्द जो है वो बाएं आंख में है तो याद रखिए फिर आपने शीर मदार यानी आंख का दूध वो यहां पर लगाना है। तो इंशाल्लाह फौरी आराम आ जाएगा। हमारा हर मशवरा, हमारा हर सबक, हमारा हर लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कानून तिब के मुताबिक, तिब यूनानी कानून मुफ्रद अदा के असूलों के ऐन मुताबिक होता है। बात मुख्तसर करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करने के हम आती नहीं। फिर दोहराता चलूं, अगर नब्ज एक नंबर है, दाई आंख में शिद्दत के साथ दर्द है, तो आपने दाएं कान पट्टी पे चूना लगाना है, बांध देना है। और अगर दो नंबर नब्ज है, दाएं आंख में दर्द है, तो फिर आपने प्याज का पानी जो है प्याज कूट कर वो बांध देना है। और अगर बाईं आंख में, तो फिर आपने शीर मदार यानी आंख का दूध जो है वो बांधना है और छह नंबर गजा खिलानी है। इंशाल्लाह सेहत कामला नसीब होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।